अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मेरे पास जो जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि अब मसला ये है कि वीज़ा रिजेक्ट पहले इतना रेशो नहीं था, तो इस साल इतने वीज़ा रिजेक्ट हो क्यों रहे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि वीज़ा रिजेक्ट जो हो रहे हैं इसके ऊपर वो क्या पॉइंट है कि जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से पंजाब साइड से तो वीज़ा रिजेक्ट होते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस साल सुन रहा हूँ कि कराची से जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, जो सिंध से आते हैं या जो बलूचिस्तान से आते हैं, वो कराची जो कौंसुलेट है इटली की वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे इतना रेशो नहीं था रिजेक्शन का। मेरे पास जो भी स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते थे, मैं उनको ये कहता था कि यार अगर आप कराची से अप्लाई कर लो तो कोई बगैर टेंशन करे अप्लाई करो कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, 100% वहाँ से वीज़ा लगता था। लेकिन इस साल सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई है। तो वो सूरतहाल क्यों चेंज हुई है, तो मैंने आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस पॉइंट को रखा जाए कि वीज़ा रिजेक्ट हो क्यों रहे हैं कराची से भी। चले इस्लामाबाद के तो होते थे, इस्लामाबाद के तो वो लोग अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको एक कोटा होता है कि इतने ही स्टूडेंट उनको भेजने होते हैं। अच्छा, अब मसला ये कि कराची से वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। आज की वीडियो ख़ास उन लोग के लिए जो कराची से अप्लाई कर रहे हैं कौंसुलेट से, तो मैं कुछ पॉइंट रखूँगा। तो आज पहला पॉइंट यही है कि जो जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं और उन्होंने मुझसे रब्ता करा, तो मैंने उनसे पहले यही पूछा कि आपने खुद अप्लाई करा था या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करा था। तो ज़्यादातर केसेस जो मुझे मिले वो यही था कि उन्होंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करा था, और वो आपकी प्रोफाइल को इतना ख़राब कर देते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं पहले ही अपनी सारी वीडियो में कहता था कि भाई आपने खुद अप्लाई करना है, ठीक है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है यूरोप इटली ख़ास तौर पर इटली में अप्लाई करने के लिए। तो एक सबसे बड़ी वजूहत यही है कि कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं, और सेकंड जो जो मैंने देखी वो ये थी कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने पहले ही कहा था कि यार इसके ऊपर इसको हल्का नहीं लेना, ठीक है, इसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर काम करो और बाकायदा उनको जेन्युइन लगे, क्योंकि 20 लाख के अराउंड जो आपको स्टेटमेंट दिखानी है वो सबके पास नहीं होती है, जाहिर सी बात है हालात ऐसे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बोरो करते हैं किसी ना किसी से, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली से और अपने रिश्तेदारों से। तो अब बोरो करने का भी तरीका मैंने आपको और वीडियो में बताया था कि भाई बोरो इस तरह नहीं करने कि आपको एक बड़ी अमाउंट जो आप एम्बेसी के अंदर या कौंसुलेट के अंदर आप बैंक दिखा रहे हो उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं करना एक साथ। तो उन्होंने गलती क्या करी थी कि एक तो अमाउंट ट्रांजेक्शन वो बता, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, वो ये बता रहे होते हैं कि भाई हमने बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दी, 20 लाख से ऊपर भी दिखा दी, लेकिन फिर भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो एक बारीक टेक्निकली उनको नॉकआउट करते हैं, जो एम्बेसी के जो बंदे होते हैं ना टेक्निकली देखते हैं, ठीक है, वो पॉइंट वो बाकायदा प्रॉपर देखते हैं कि ये जो अमाउंट है वो किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, क्रेडिट का वो डेबिट का वो हर चीज़ ये टेक्निकली आपको नॉकआउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई अगर आपको बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है तो 6 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दें, और आपको ट्रांजेक्शन उसके अंदर अच्छी खासी दिखानी कि भाई आप पैसे निकाल भी रहे हो डाल भी रहे हो, एक अमाउंट रखनी नहीं है उसने, ऐसा कर दे कि भाई एक अमाउंट आपने सजा के रख दी उसके अंदर, ऐसा नहीं करना। एक सबसे बड़ी वजूहत बैंक स्टेटमेंट की है, जो कि यहाँ पे टेक्निक नॉकआउट करा है सबको एम्बेसी और कौंसुलेट वालों ने। और दूसरा ये था कि अब इसका हल क्या है, क्योंकि अभी जो मुझे स्टूडेंट पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे और यूट्यूब पे कमेंट भी आए थे कि मेरी प्री रिफ्यूज़ल आ गया है। तो प्री रिफ्यूज़ल वो जब ही देते हैं कि अगर आपको दिन देते हैं 15 दिन 12 दिन देते हैं कि उसके अंदर आप अपनी पॉइंट सबमिट करा सकते हो, जो भी उन्होंने पॉइंट लिखे हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता करा था, उसने कंसल्टेंट के थ्रू कराया था, ठीक है। तो अब कंसल्टेंट ने क्या करा था कि एडमिशन लेटर या तो उसको फेक प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि कौंसलेट ये कह रही थी कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी से रब्ता करा तो आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है वहाँ पे। तो स्टूडेंट ने क्या करा, जब यूनिवर्सिटी से रब्ता करा, यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलर नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब यूनिवर्सिटी से मांगा, तो यूनिवर्सिटी ने जो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपके तो हमारे पे इनरोलमेंट ही नहीं है। तो होता क्या है कि कंसल्टेंट के थ्रू ये भी नुकसान होता है। अच्छा, अब प्री रिफ्यूज़ल दे देते हैं 15 दिन के अंदर, उसका हल क्या है। तो हल ये है कि कुछ ऐसा भी है कि भाई जिन्होंने प्री रिफ्यूज़ल के बाद उसको अप्लाई करा, ठीक है, अपने जो पॉइंट है उसको क्लियर करे और उनके वीज़े लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते, यहाँ पे भी पॉइंट क्लियर कर, क्योंकि लोग कुछ आपको गाइड करेंगे कि भाई एक दफ़ा प्री रिफ्यूज़ल आ जाए और आपका वीज़ा दोबारा नहीं लगता। अच्छा, प्री रिफ्यूज़ल आ जाए 12-13 दिन जो 15 दिन होते हैं उसके ड्यूरेशन के अंदर आपको उसके जवाब देने हैं, उसके आंसर करने हैं। वो किस तरह करने हैं कि आप वो जो वहाँ पे एडवोकेट होते हैं
आप लोकली जो जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ पे हायर करें, ठीक है। अगर आपका आप समझते हैं कि आपका केस जेन्युइन है, आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने नॉकआउट करा है बगैर किसी पॉइंट के और रीज़न के, और रीज़न उन्होंने लिख देते हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल इशू था या इलीगल इमिग्रेशन इशू था, ठीक है, तो आप वकील हायर कर सकते हैं, ठीक है। इनके वकील हैं, और जब आप वकील हायर कर लेंगे तो बकायदा आपको केस लेके जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। एप्लीकेशन बनाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, एफिडेविट होगा और उसके कवर लेटर होगा कि आपने जो नॉकआउट करा है वो क्यों करा है, मुझे प्री रिफ्यूज़ल के अंदर, और एडवोकेट पूरा आपका केस लेके जाएगा, ठीक है। और जब आप दोबारा सबमिट कराते हैं प्री रिफ्यूज़ल के दौरान, तो फिर आप उनको ईमेल पे भी सेंड करें और बाय हैंड जाके भी दें कॉन्स्टिट्यूट के अंदर या एम्बेसी के अंदर, तो आपके पास चांसेस होते हैं। ये नहीं सोचें कि भाई प्री रिफ्यूज़ल आ गया तो हार माननी, हार नहीं माननी है, 12 दिन होते हैं आपके अंदर प्री रिफ्यूज़ल का जवाब दें, और इंशाल्लाह ये होता है कि वीज़ा लग भी जा रहा है और आपके पॉइंट क्लियर होते हैं, तो एम्बेसी वाले दोबारा आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, जाँचते हैं अच्छी तरह, और दोबारा 15 दिन और देते हैं, उसके अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे केसेस भी हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना था कि जिनके प्री रिफ्यूज़ल आ गए हैं उन्होंने हार नहीं माननी है, ठीक है। आप बकायदा लॉयर हायर करें, ठीक है, इसका अपना केस अगर आपको लगता है कि जेन्युइन केस है आपका, तो आप अप्लाई करें, ठीक है, और प्री रिफ्यूज़ल के 12-13 दिन 15 दिन के दरमियान उसका आंसर दें, ठीक है। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपने हार नहीं माननी है, और क्योंकि इस ये वीडियो मैंने जब भी बनाई, जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने रब्ता करा कि हमारा प्री रिफ्यूज़ल के बाद हमने बकायदा लॉयर हायर करा और उसके बाद उनका वीज़ा लग गया, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई प्री रिफ्यूज़ल के बाद आपको हार नहीं माननी है और लॉयर हायर करना है और अपना जेन्युइन केस लेके जाना है और आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़िताम पज़ीर करते हैं, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो डिस्कशन मुझसे करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा कैलेंडरी का। आप मैं जब भी कहता हूँ कि भाई मुझसे अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको मुझसे डिस्कशन करनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने केसेस से रिलेटेड, अपने मास्टर में अप्लाई करने से रिलेटेड, बैचलर में अप्लाई करने से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चन है मुझसे डिस्कशन करें, कैलेंडरी का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा हुआ ये कैलेंडरी का लिंक, इसके ऊपर आप जाएँ और मुझसे डिस्कशन करें।